हल्द्वानी से खबर है, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर अनुज थपलियाल ने बताया कि हाल ही में विभाग द्वारा मसालों के संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्टों के आधार पर यह विभाग असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। थपलियाल ने कहा कि कई मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारी धातुओं और कीटनाशकों की मात्रा असुरक्षित स्तर पर पाई गई है। संबंधित जिलों के अधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ संबंधित अदालतों में मामलों को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग की सतर्कता के कारण इन कमियों का पता चला है और जो निर्माता मानक का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कई उत्पाद जो राज्य और केंद्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा असुरक्षित पाए गए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इन मामलों को सिविल कोर्ट में दायर किया जाएगा। थपलियाल ने कहा कि जो निर्माता दोषी पाए जाएंगे उनके लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसालों के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया था भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में। तो इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बेसिस पे जितने लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई विभाग प्रारंभ करने जा रहा है। जैसे आप विदित हैं कि कुछ मसाले ऐसे हैं या कुछ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अनसेफ और मिसब्रांडेड दोनों चीज़ें आई हैं। इसमें हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड रेजिडुअल इसमें प्रेजेंस आई है। तो इनके विरुद्ध अब संबंधित जनपद के हमारे अवैध अधिकारी हैं, ये सब लोग इन पर अब कार्रवाई कर रहे हैं, जो संबंधित कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। और जैसे आपका कहना है कि विभाग इसमें, क्योंकि विभाग सतर्क है तभी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तभी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। जब विभाग अगर पूरी तरह अपने उससे अपनी इफेक्टिवनेस से जांच कर रहा है तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, और जिनके विरुद्ध भी निकल के आ रही हैं उनके विरुद्ध अब सख्त से सख्त कार्रवाई विभाग अमल में लाने जा रहा है। देखिए, अभी मसालों से जहाँ तक संबंधित है, इसमें टोटल इस समय लगभग 9 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जो सेंट्रल लैब से भी फेल हो चुके हैं, स्टेट लैब के साथ साथ सेंट्रल लैब से भी फेल हो चुके हैं। जो इनको अपील का मौका दिया गया था उसमें भी ये सही नहीं निकले हैं। तो फिलहाल ये 9 मौके तो पूरे हमारे लगभग उसमें जाएंगे CGM कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के लिए, और बाकी जो और सैंपल्स हैं जिनमें सबस्टैंड या मिसब्रांडेड हुआ है वो हम सिविल कोर्ट में ADM कोर्ट में इसको दाखिल करने जा रहे हैं। नहीं, जो भी दोषी पाए गए हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे लाइसेंस होल्डर हैं, इनको अब अगले वाले उसमें इनके जो लाइसेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सस्पेंड करने की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। अनुज थपलियाल, डिप्टी कमिश्नर।